हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एकलव्य शिक्षक भर्ती में आपका जो संधि का पार्ट है तो उसके प्रैक्टिस सेट हो गए हैं, कुछ कंबाइंड सेट हुए हैं एंड एक संधि का प्रैक्टिस सेट पूरा अलग भी हुआ है, ठीक है, तो उसको देखिएगा ज़रूर। एंड ये जैसे संधि हो गए, विलोम हो गए, तो ये सभी में जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं जिसमें जनरल हिंदी का पार्ट आता है, चाहे UP SSC पैट हो गया, DSSSB, KVS, NVS, नॉन टीचिंग स्टाफ, तो उन सभी के लिए सेम ही रहते हैं संधि के, वही प्रकार रहेंगे, वही एग्जाम्पल्स रहेंगे, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए कि हाँ ये पैट से रिलेटेड है या फिर ये नॉन टीचिंग के हैं, तो ये आपके जो एग्ज़ाम है एकलव्य शिक्षक भर्ती हॉस्टल वार्डन उसमें नहीं आएगा, उसमें भी यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप चाहें तो किसी का भी KVS, NVS का PYQ उठाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन 29, 28 क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं, उनको भी देखिएगा, ओके, विद एक्सप्लेनेशन है। तो जो नॉन टीचिंग एरिया के बच्चे हैं, नॉन टीचिंग हिंदी के बच्चे हैं, ठीक है, जैसे कि तमिल साइड के बच्चे हो गए जिनको हिंदी बिल्कुल नहीं आती, उनके लिए ये जो PDF है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, क्योंकि इसमें जो एग्जांपल्स हैं उनका एक्सप्लेनेशंस काफ़ी अच्छे से दिया है, ठीक है। 29, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, नहीं है पूछा है, तो देखिए जगदम्बा, जगत धन अम्बा, कोई भी एग्जाम्पल आप अगर देख रहे हैं कि वो कौन सी संधि का है तो उसका विच्छेद करिए, उसके बाद ही आपको पता चलेगा। विद्यालय विद्याधन आलय, संतोष शमधन तोष, अहंकार अहमधनकार, ठीक है। तो इसमें जो विद्यालय है ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है, व्यंजन संधि का नहीं है, ओके। तो इसको कैसे करेंगे, विद्याधन आलय विद्यालय। संधि कितने प्रकार की होती है, तो सभी को पता है संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए, तो सदानंद का होगा सतधन आनंद, क्या होगा सतधन आनंद, ऑप्शन ए। देखिए ये वाला सत नहीं होगा क्योंकि इसमें हलंत नहीं लगा हुआ है, ठीक है, और जब किसी में हलंत नहीं लगा होगा तो हम जो उसमें नेक्स्ट स्वर या व्यंजन है उसको जोड़ नहीं पाएंगे। भाई अगर बिना हलंत का वर्ड है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ता धन आ, ठीक है, मतलब इसमें जो स्वर है वो भी जुड़ा हुआ है। पूरा वर्ण पूरा व्यंजन तभी बनता है जब उसमें स्वर जुड़े होते हैं, ठीक है, थीके? और अगर हम इसको लेते हैं तो ये है सिर्फ आधा ता, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं, पुस्तकालय में कौन सी संधि है, पुस्तक धन आलय, तो ये भी दीर्घ संधि हो गई यहाँ पर, ठीक है, देख लीजिए पुस्तक धन आलय में भी दीर्घ संधि है। अतिधन ईव अतीव, भूधन उत्सर्ग भूतसर्ग, वीरधन आंगना वीरांगना, ठीक है। अभ्युदय की संधि कीजिए, अभ्युदय भा और या, जब ये दोनों ही मिलेंगे तो वो अभ्युदय कहलाएगा, ठीक है, ये कौन सी संधि हो गई, यण संधि, ठीक है, अभ्युदय। नेक्स्ट बढ़ते हैं 34, इन निम्नलिखित में शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए, तो आपको स्वर संधि पहचानना है, तो सबसे पहले जो ए ऑप्शन है पुस्तक धन आलय वही आपका स्वर संधि का है, पुस्तक धन आलय, ठीक है, पुस्तकालय। अभी हमने बताया था ये कौन सी संधि का एग्जाम्पल है, दीर्घ संधि का, जिसमें अ और आ मिलकर बड़ा आ हो जाता है, ठीक है। गिरी धन ईश गिरीश, भानुधन उदय भानुदय, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा, तो ये वाले जो होते हैं ना दीर्घ हैं, तो दीर्घ मात्राएं यानी कि दीर्घ संधि, ठीक है। ऐसे भी आप थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से सीख सकते हैं। महोत्सव का सही संधि विच्छेद बताना है, महोत्सव, तो जब भी हमने आपको संधि विच्छेद करना बताया है तो हमेशा ये बोला है कि जो आप दो शब्दों में तोड़ते हैं तो वो उन दोनों ही शब्दों के अपने अलग अलग अर्थ होने चाहिए, ठीक है। तो महोत्सव का संधि विच्छेद होगा महाधन उत्सव, तो इसमें महा का भी अपना एक अलग अर्थ है और उत्सव का भी अपना एक अलग अर्थ है, ओके। नेक्स्ट है, मतैक किस संधि का उदाहरण है, मत धन एक, दो मात्राएं लगी हुई हैं ता में, तो जब हमने बताया था कि जिसमें दो मात्राएं लगी हों, चाहे वो ए की मात्रा हो ओ की मात्रा हो, वो वृद्धि संधि के उदाहरण होते हैं, ठीक है। एक धन एक एक, एक सदा धन एव सदैव, महाधन औषध महौषध, महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य, देखिए दोनों में ही क्या है, एक डबल मात्राएं लगी हुई हैं। गुड़स्वर संधि कैसी होती है, उसके एग्जाम्पल में देखिए आप, एक एक मात्रा लगी है, देवेंद्र, जैसे यहाँ पर देख लीजिए महोत्सव तो ओखली, ठीक है, महाधन ऋषि, ऋषि में गुड़ होता है ये बोला था, चंद्रधन उदय चंद्रोदय, गंगाधन ऊर्मी गंगोर्मी,
ठीक है, ये भी थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि यहाँ पर बड़ा ऊ बना है, छोटा ऊ बनकर आ जाता है, फिर पूछते हैं कि क्या सही है या गलत है। तो ये भी देखना ज़रूरी है कि जो शब्द लिखे जा रहे हैं उनकी मात्राएं कैसी लगी हुई हैं। ठीक है, यर संधि के उदाहरण, यदिधन अपि, गुरुबोधन, गुरुधन, ओधन, अत्यावश्यक, अतिधन, आवश्यक। तो ये यर संधि के एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स के माध्यम से अगर आप संधि को सीखेंगे तो वो जल्दी सीख जाएंगे। अगर आप नियम पढ़ते रहेंगे ना तो बिल्कुल भी संधि नहीं आएगी। ठीक है, अयादि संधि है। अयादि संधि कौन सी होती है? जिसमें या और वा पूरे बने हों। ठीक है, तो नायक, इसमें नौधन इक क्या हो गया? नायक हो गया, नाविक हो गया, सॉरी। नौधन इक क्या है? नाविक है। तथाधन है, तथैव। उत्धन योग, उद्योग। अपधन जा, अब्ज। ये क्या होगा? अपधन जा, अब्ज होगा। ठीक है, लेकिन ये आपका एग्जाम्पल नहीं है, ऑप्शन सही नहीं है। अयादि संधि नौधन एक, यानी कि नाविक। ओके, नेक्स्ट है, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? कौन सा व्यंजन संधि नहीं है इसमें ये बताना है। तो रसधन आयन, बड़ी बड़े या की मात्रा देखकर ही आप तुरंत इसको दीर्घ संधि पहचान सकते हैं। ठीक है, रसधन आयन। विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि कौन सी है बताइए? निधन कर्म, निष्कर्म। रोष बताया था ना, तीनों सा लगते हैं, तो जब का और खा वाले शब्द आ जाते हैं तो श षटकोण हो जाता है वहाँ पर। देखिए, निष्कर्म, निधन कर्म। ठीक है, संयोग, समधन योग, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, सदैव, सदाधन एव, वृद्धि संधि, गिरीश, गिरिधन, ईश, दीर्घ संधि। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, गिरी में बड़ी ई की मात्रा लगी है, बट जब इसका संधि विच्छेद किया है तो वो छोटी ई की मात्रा, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा से कोई शब्द नहीं बनता है। ठीक है, तो शब्दों का अपना अलग अलग अर्थ भी होना चाहिए। भूर्जा का संधि विच्छेद, भू धन ऊर्जा। ठीक है, क्या होगा? भू धन ऊर्जा, यानी भू धन ऊर्जा, छोटे ऊ की मात्रा नहीं होगी उसमें, होगी बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है, पयोधि का संधि विच्छेद, पय धन धी। क्या होगा? पय धन धी, ए वाला ऑप्शन होगा। पया धन धन पयोधन, तपह धन बल तपोबल। ओके, अतियुक्ति शब्द में संधि, अतियुक्ति, आधा, जब या बनाया तो उसके बाद पहले आधा अक्षर बनाया तो ये यड़ संधि हो जाती है। ठीक है, कौन सी है? यड़ संधि। नेक्स्ट है 43, बालोचित शब्द का संधि विच्छेद। तो बालोचित शब्द का जो संधि विच्छेद है वो बालधन उचित होगा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आयोग ने जब इसका ऑप्शन का राइट आंसर दिया था तो वो बालोचित दिया था। ठीक है, ई या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो यड़ संधि में होता है, इसी की बात, तो आधा अक्षर जुड़ता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्रित प्रत्यय हैं? तो ये प्रत्यय वाला आपका नहीं आएगा ऑप्शन में, इसको छोड़ देते हैं अभी। रत्नाकर का संधि विच्छेद, तो रत्न धन आकर क्या होगा? किसका एग्जाम्पल है ये? दीर्घ संधि का है, रत्न धन आकर, रत्नाकर। महेश्वर्य, महाधन, ऐश्वर्य में कौन सी संधि है? तो अब देखिए, यहाँ पर बड़े दो मात्राएं लगी हुई हैं, तो दो मात्राएं किस में होती हैं? वृद्धि संधि में होती हैं। अब इसको जब जोड़ेंगे तो आप देखिए, यहाँ पे बड़ा आ है, यहाँ पर ए है। ठीक है, तो इसका जो डी वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सूर्योदय का संधि विच्छेद, सूर्य धन उदय। क्या होगा? सूर्य धन उदय। अब देख लिए, यहाँ पर उदय में छोटे ऊ की मात्रा लगी, यहाँ पे उदय में बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है। नरधन इंद्र, नरेंद्र। यथाधन इष्ट, यथेष्ट। सूर्य धन ऊर्जा, सूर्योजा। परधन उपकार, परोपकार। जब आपको ये शीट दी जाए तो उसके जो एग्जाम्पल्स दिए हैं उनको ज़रूर देखिएगा। सख्यागमन, सखी धन आगमन। ठीक है, क्या हुआ? सखी धन आगमन। अब सखी कुछ नहीं होता, जब खा में छोटी ई की मात्रा लगा देंगे तो वो कोई वर्ड नहीं बनता है। सखी मीन्स क्या होता है? फ्रेंड्स, सहेलियाँ। ओके, ये सख्यागमन किसका एग्जाम्पल है ये भी बता दीजिए, यड़ संधि का। ठीक है, यड़ स्वर संधि में ही तो या से पहले आधा अक्षर जुड़ता है। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद बताना है। अन्वेषण ये पहले भी हम करा चुके हैं। अनुधन एषण क्या होगा? अनुधन एषण, ये कुछ जो संधि के एग्जाम्पल्स होते हैं यही रिपीट होते रहते हैं कंटिन्यूसली। अतिधन अधिक, अत्यधिक। मधुधन आलय, मध्वालय। सखीधन ऐश्वर्य, सख्यश्वर्य। सखीधन आगमन, सख्यागमन। पितृधन इच्छा, पितृच्छा। ठीक है, धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है।
धातुष्मा, जब आप इसका विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा, धातु धन ऊष्मा, ठीक है, बड़ा ऊ और इधर भी बड़ा ऊ, तो ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें ना यावा पूरे बने हैं ना यावा आधे बने हैं, तो ये यड़ संधि नहीं होगी ना अयाधि संधि होगी। गुड़स्वर संधि में क्या होता है, आपकी ए की मात्रा ओ की मात्रा लगती है, तो वो भी ऐसी कोई मात्रा नहीं लगी है, तो एलिमिनेट करके भी आप आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 52। सरयूर्मी में संधि विच्छेद, इसमें भी देखिए दीर्घ संधि है, जब आप इसको तोड़ेंगे तो सरयू धन ऊर्मी, ठीक है, धर्म धन अर्थ धर्मार्थ, देवधन आलय देवालय, कविधन इंद्र कविंद्र, भानुधन उदय भानुदय, वधुधन ऊर्मी वधूर्मी, ओके। तो ये सारे ही जो एग्जाम्पल्स हैं ये दीर्घ स्वर संधि के हैं। छात्र का समुचित संधि विच्छेद, तो ये कौन सा है बताइए, सतधन शास्त्र होगा, क्या होगा, सतधन शास्त्र। नेक्स्ट है उड्डयन का संधि विच्छेद करना है आपको, तो उत्तधन डयन, क्या होगा, ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। इसके जो थोड़े से नियम है वो देख लीजिए, ता या दा के बाद में डा या ढा हो तो ता या दा के स्थान पर डा हो जाता है, ओके। महाधन ईश का संधि विच्छेद बताना है, तो महाधन ईश का जो संधि विच्छेद है वो महेश होता है, लेकिन आयोग ने महेश दिया था जो कि गलत है, महाधन ईश हमेशा महेश होगा जो कि गुड़स्वर संधि का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा, दिग्दर्शन मतलब दिक् धन दर्शन, हमेशा बोला है हलंत जरूर लगेगा क्योंकि हलंत के बाद ही वो आधा अक्षर होता है और आधे अक्षर में ही आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अनविच्छण का संधि विच्छेद, तो अनुधन ईक्षण होगा जो कि इसमें नहीं है, अगर आप इसमें बड़ी मात्रा लगा देते हैं तो ये हो जाएगा। आप इसका एग्जाम्पल ये जो ऑप्शन है उसका एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए, अनविच्छण का क्या होगा, अनुधन ईक्षण, ओके, बड़ी की मात्रा होगी उसमें। नेक्स्ट है गौधन चरित्र की संधि करनी है, तो गौधन चरित्र में जब चा और छा होता है तो विसर्ग का शा बन जाता है, कौन सा, किस में शा है, ऑप्शन सी में शा है। जब टा और ठा हो तो शा षटकोण बन जाता है, जब ताव था हो तो शा साइकिल बन जाता है, ठीक है। तो ये नियम थोड़ा सा अपने माइंड में रखिएगा, निधन चय निश्चय, चाव छा में शा बताया था ना, धनुधन टंकार धनुष टंकार, निधन तार निस्तार, निधन छल निश्चल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वधूर्मी का संधि विच्छेद बताना है आपको, तो वधुधन ऊर्मी, बड़े ओ की मात्रा लगेगी, वधुधन ऊर्मी, ओके। नेक्स्ट है दीर्घ संधि, गुड़ संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि व अयाधि संधि किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है, तो ये सभी कौन सी संधियां होती हैं, स्वर संधियां होती हैं। नेक्स्ट है यशोदा में प्रयुक्त संधि, यशोदा वर्ड बहुत पूछा जाता है, तो ये कौन सी है, विसर्ग संधि, कई बार ये बता भी चुके हैं, यशा धंधा संधियों की इसीलिए अलग से क्लास लेकर आए हैं कि इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इतने ज़्यादा एग्जांपल्स आपके हो गए हैं कि आपको संधि से रिलेटेड कोई भी डाउट अगर बचा भी होगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, एंड अदरवाइज तो लगभग जो बहुत एग्जाम इम्पॉर्टेंट है वो सभी ही करा दिए गए हैं, ठीक है। 62 देख लेते हैं, पावन का संधि विच्छेद, तो पौधन अन, क्या होगा, पौधन अन, ये अयाधि संधि का एग्जाम्पल हो गया है। भूधर्व का संधि विच्छेद, तो भूधन उधर्व, ठीक है, क्या होगा, भूधन उधर्व, इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको देख लीजिए, भूधन उधर्व होगा जिसमें दीर्घ स्वर संधि है, ये ना समझिए कि आधा अक्षर लगा है पूरा अक्षर लगा है तो हम उसको यड़ संधि बता दें, यही आपके कंफ्यूजन वाले कुछ शब्द आ जाते हैं। उच्चारण का संधि विच्छेद, तो उत्तधन चारण, क्या होगा, उत्तधन चारण, ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है कि ता के बाद चा अथवा छा हो तो ता का चा हो जाता है, जैसे कि सत्य चरित्र, तो सच्चरित, सत्याग्रह का संधि विच्छेद बताना है, सत्याग्रह का क्या संधि विच्छेद होगा, सत्यधन आग्रह, ठीक है, सत्याधन ग्रह ये नहीं होगा, सत्यधन ग्रह भी नहीं होगा, राइट ऑप्शन आपका डी है। लास्ट क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, क्योंकि संधि का ही चैप्टर आप पढ़ रहे हैं। तो ये टोटल आपके 66 क्वेश्चन हुए हैं, कल के 28 क्वेश्चन, आज के मिला के टोटल 66 क्वेश्चन है, दोनों को ही देखिएगा,
इसके बाद आपका आई थिंक संधि में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा एंड वीडियो को देखिएगा ज़रूर। ओके, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।